नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए डालते एक नजर ललितपुर जिले की प्रमुख एवं खास खबरों पर ललितपुर लाइव टीवी के इस फटाफट बुलेटिन में। जब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर से। देर रात ललितपुर के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यात्री का मोबाइल चोरी करते हुए कुछ यात्रियों ने मोबाइल चोरी करते हुए पकड़ा और यात्रियों ने युवक को थाना जीआरपी पुलिस को सौंप दिया, जिसको लेकर थाना जीआरपी पुलिस मोबाइल चोर युवक को अपने साथ ले गई। ललितपुर के जिला चिकित्सालय में आवारा जानवरों के बाद अब आवारा कुत्तों का बोलबाला। यहाँ आवारा कुत्ते देर रात तक धमा चौकड़ी मचाते दिखे, जिन्हें देखकर अस्पताल में भर्ती मरीजों के रिश्ते नातेदार मरीजों से बगैर मिले ही चले गए, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ललितपुर जिला चिकित्सालय का मामला। ललितपुर जिले के धौरा स्थित मंडलीय अटल आवास विद्यालय में आज मंडलायुक्त झांसी डॉक्टर आदर्श सिंह एवं जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी की उपस्थिति में वाराणसी में आयोजित अटल आवासीय विद्यालयों के वर्चुअल उद्घाटन कार्यक्रम का सजीव प्रसारण दिखाया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री प्रतिनिधि चंद्रशेखर पंत सहित अन्य जनपद के सभी जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के 16 अटल आवासीय विद्यालयों का वर्चुअल उद्घाटन किया, जिसका प्रसारण जनपद में हजारों बच्चों सहित आला अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने देखा। इस अवसर पर मंडलायुक्त ने कहा कि मंडल में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना से श्रमिकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी। तो वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी क्षेत्र के विकास वहां की शिक्षा स्तर पर निर्भर करता है। अटल आवासीय विद्यालय में पढ़कर बेहतर शिक्षा के बल पर श्रमिकों के बच्चे भी अच्छे पदों पर चयनित होंगे और निश्चित रूप से जनपद का नाम रोशन करेंगे। इस कार्यक्रम में बताया गया कि मंडल स्तरीय ये विद्यालय पूर्णतः नवोदय विद्यालय की तर्ज पर संचालित किया जाएगा। अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। विद्यार्थियों के रहने के लिए विद्यालय परिसर में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है एवं आधुनिक सुविधाओं से युक्त प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल मैदान, स्मार्ट क्लासरूम के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है। कुल 80 छात्र छात्राएं वर्तमान में विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करेंगे, जो मंडल के समस्त जनपदों से आए हुए हैं। भविष्य में विद्यालय 1000 छात्र छात्राओं की क्षमता के साथ संचालित किया जाएगा। ललितपुर शहर के श्री पारसनाथ दिगंबर जैन अटाजी मंदिर में उच्चारणाचार्य विनर्म सागर जी महाराज ने एक धर्म सभा को संबोधित करते हुए बताया कि नर्मदा और प्रिय वचन मनुष्य के आभूषण है, जिनके हृदय में सत्य का वास है और सत्य में परमात्मा का वास रहता है। सत्य को सहन करना हित कठिन है, सत्य को समझने की जरूरत है। दुनिया असत्य के पीछे जा रही है, सत्य की उपासना कर असत्य को त्यागना और कहा सत्य बलशाली होता है, बताते हुए उच्चारणाचार्य विनर्म सागर महाराज ने पर्युषण पर्व के दौरान कहा। ललितपुर के पहलवान गुरुदीन कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फार्मेसी विभाग ने विश्व फार्मासिस्ट सप्ताह के चतुर्थ दिवस पर आज रक्तदान महादान संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रगति रक्तदान सेवा समिति संस्था के द्वारा आए कवि संजय अमन महिमा ने कविताओं से रक्तदान के प्रति जागरूक किया। इसमें मुख्य वक्ता समिति की संरक्षक डॉली राजे बुंदेला ने कहा कि रक्तदान करने से हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो वहीं समिति की महिला अध्यक्ष अर्चना जायसवाल ने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई महादान नहीं होता। तो वहीं समिति के अध्यक्ष प्रिंस राठौर ने कहा कि हम सभी लोगों को भेदभाव को भूल कर रक्तदान करना चाहिए। तो वहीं कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर सौरभ यादव ने कहा कि रक्तदान करना मानव की सबसे बड़ी समाज सेवा है, हम अपने रक्त को दान करके किसी जरूरतमंद का जीवन बचा सकते हैं। तो वहीं कॉलेज प्रोफेसर पुष्पेंद्र कुमार गौतम ने कहा कि रक्तदान एक बहुत ही नेक काम है और अगर आप दूसरों की जान बचा सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षण आचार्य डॉक्टर महेश कुमार झा ने सभी वक्ताओं का आभार व्यक्त किया। इस दौरान फार्मेसी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर विनोद यादव, प्रोफेसर सरस्वती कुर्मी, प्रोफेसर अंशिका भारती, प्रोफेसर करण, प्रोफेसर साधना राजा, प्रवक्ता श्रेया राजपूत, प्रवक्ता आकाश विश्वकर्मा, देवेंद्र प्रताप, तो वहीं प्रगति रक्तदान सेवा समिति की ओर से महिला नगर अध्यक्ष चांदनी सहित रोहित मिश्रा, विकास साहू, संजय महिमा सोनी, अमन परमार एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे।
गीत सुना है लता जी का कि जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज काल में नहीं है ना। तो जीने के लिए तो सभी जी रहे हैं, सभी लोग जी रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई मौका है जैसे हमारे फौजी भाई हैं तो वो लोग जीते तो वो भी हैं, हम लोग भी जी रहे हैं, मरेंगे हम भी और वो भी मरेंगे, लेकिन वो शहीद कहलाएंगे। गवाही दे रहा इतिहास, मर्दन सिंह के नाता है।